देवरिया जनपद के भटनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत लॉकडाउन में वाहनों की जांच के दौरान पुलिस को निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख पति के वाहन से नगद बरामद हुआ, जिसकी जांच को पुलिस गाड़ी को थाने ले गई, जहां नकदी सहित सामान आदि का ब्यूरो प्रमुख पति से मांग रही थी। इसी बीच प्रमुख समर्थक थाने में धरने पर बैठ गए। आरोप था कि पुलिस जानबूझकर मामले में प्रताड़ित कर रही है। देर रात पुलिस ने गाड़ी में मिले नकदी का हिसाब देने के बाद पुलिस ने एक वाहन से 6 लोगों को बैठाने को लेकर चालान काट कर छोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक बुधवार की शाम को पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी बीच एक लग्जरी वाहन में पूर्व ब्लॉक प्रमुख पति रमाशंकर यादव सहित 6 लोग एक वाहन से निकले। पुलिस ने गाड़ी रोककर तलाशी ली, जिसमें वाहन से 2 लाख रुपए नकदी बरामद हुई। पुलिस मामले की छानबीन व जांच के लिए पूर्व प्रमुख सहित वाहन को थाने ले गई। पूर्व प्रमुख के वाहन पकड़े जाने की खबर मिलते ही सैकड़ों समर्थक थाने पहुंच गए, धरने पर बैठ गए। आरोप था कि पुलिस जानबूझकर प्रताड़ित कर रही है। मामले में नकदी का हिसाब मिलने के बाद पुलिस ने लॉकडाउन नियम तोड़ने पर वाहन का चालान कर दिया। देर रात प्रमुख को छोड़ने के बाद समर्थक थाने से लौट गए। मामले में थानेदार श्याम सुंदर तिवारी ने बताया कि वाहन जांच में मिली नकदी आदि का पूरा ब्यूरो पूर्व प्रमुख की ओर से उपलब्ध कराया गया। एक वाहन में 6 लोगों को बैठाया गया था, जिसके लिए चालान काटा गया। देख इस रिपोर्ट में। Gracias.